हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट बूस्टर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। पिछली वीडियोस में, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन में, तो उसमें मैंने बताया था जो लाइट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ऐसे। तो ये क्या था, किसी एक गिवन मीडियम की बात कर रहे थे उस समय हम। तो अगर हम बात करें कि एक लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसके बाद कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो क्या उसके पाथ में कोई चेंज आएगा। यानी कि मान लीजिए हमारा दो मीडियम है, ये मीडियम वन है और ये है मीडियम टू, ठीक है। लाइट इसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक है, हमने बोला था कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। अब जब इसकी इंटरफेस पर आएगी इन दोनों के मीडियम के, जहाँ पर ये दोनों यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, तो जब आगे पास होगी तो क्या लाइन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? नहीं, लाइट क्या होती है, हल्की सी बेंड हो जाती है। तो जो पाथ उसे फॉलो करना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, वो फॉलो नहीं कर पाती। बट अगर खाली हम इस पर्टिकुलर मीडियम की बात करें, लाइट अभी भी यहाँ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रही है। बट जब इंटरफेस आता है जहाँ दोनों मीडियम आपस में मैच मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या होती है, लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है। तो यही जो बेंड होती है लाइट स्ट्रेट लाइन ना जाकर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट बेंड होने के जो फिनोमेना है, इसको ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक है पहला मीडियम रेयर मीडियम और दूसरा है डेंसर। एक अलग हम लेते हैं पेयर ऑफ मीडियम, जिनमें पहला मीडियम है डेंसर मीडियम एंड सेकंड मीडियम हमारा रेयर मीडियम। ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ऐसे, ये हमारी इंसिडेंट है। तो जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये जो लाइट है ये बेंड होती है हमारी टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी ये हमारा नॉर्मल है तो इसकी तरफ क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी। जबकि जानी कैसे चाहिए थी हमारी लाइट, ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये बेंड किसकी तरफ हो गई, नॉर्मल की तरफ। ये किसके लिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं हम कि जब लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, यानी ये डेंसर मीडियम है हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये जाएगी अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल हमारा इससे दूर की तरफ जाएगी। जानी कैसे चाहिए थी हमारी लाइट, ऐसे जानी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, बट जब मीडियम चेंज हो हमारे तो ये होगी बैंड और कैसे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो कंडीशन हमारी, यानी जब रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, एंड जब डेंसर टू रेयर जाएगी हमारी लाइट रे, जब क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली। तो देखिए, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम किसी कॉइन को किसी अगर वाटर में डालें, गिलास में डालें, तो क्या है, हमें कॉइन ऊपर उठता दिखाई देता है, या फिर अगर पानी कोई गिलास खाली है उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो उसकी जो तली होती नीचे बॉटम, वो हमें ऊपर उठा हुआ राइज दिखाई देता है, या फिर अगर हम पानी में पेंसिल को डालते हैं तो वो बैंड दिखाई देती है या फिर टूटी हुई दिखाई देती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट क्या होती है, जब वाटर से बाहर आती है एयर में तो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो जिससे हमें पेंसिल शिफ्ट दिखाई देती है। अगर इसी पेंसिल कैसे बैंड होती है, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सभी किसकी वजह से हो रहे थे, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे थे। तो एक हम एग्जाम्पल लें ग्लास स्लैब का, ये हमारी ग्लास स्लैब है। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ हो जाएंगी, यहाँ जो हम बात कर रहे थे अभी रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, कैसे, ये एयर है हमारी बाहर, ये हमारा क्या है, ग्लास है, ग्लास की स्लैब है, ठीक है। ये क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है ग्लास, और एयर क्या है हमारा, रेयरर मीडियम। यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लेते हैं। तो लाइट क्या है, हमारी इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ये हमारा इंसिडेंट एंगल। अब देखिए रेयर मीडियम है एयर, रेयर टू डेंसर जा रही है, जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो कैसे होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे। जानी कैसे चाहिए थी हमारी, ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये डेंसर मीडियम है ये, और ये क्या हमारा, रेयर मीडियम एयर। तो जब डेंसर टू रेयर जाती है, यानी डेंसर टू रेयर जाएगी, तब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे एक हमने नॉर्मल बनाया, तो ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल,
ये क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्ज हो रही है क्योंकि ग्लास में से, इसलिए कहते हैं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये क्या है हमारा आई टू, इसके लिए हमारा इंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे दोनों केस आ गए हमारे, रेयर टू डेंसर ये वाला और डेंसर टू रेयर। बट देखो यहाँ पर लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, बट जा कैसे ऐसे, फिर उसके बाद यूँ, फिर उसके बाद यूँ। बट जो हमारी इमरजेंट रे है वो अभी भी क्या है, इसलिए ये जो रे अगर हम आगे इसको एक्सटेंड करें, इसकी क्या है पैरेलल है, तो ये क्या होगी रे शिफ्ट होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लीनियर शिफ्ट। ये था हमारा ग्लास ग्लास स्लैब। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रिज्म का। ये नॉर्मल खींचा हमने यहाँ पे, इसमें एक इंसिडेंट हुई लाइट, ये इंसिडेंटरी रैंग हुई हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक है, अब क्या है ये रेयर मीडियम बाहर, क्योंकि यहाँ क्या है एयर है, ये हमारा गिलास है, ये कैसा हमारा डेंसर मीडियम है। तो रेयर टू डेंसर जाएगी, जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पर हम टुवार्ड्स द नॉर्मल इसको भेज देते हैं। ठीक है, चली गई, जानी कैसी चाहिए थी ऐसे, बट इधर साइड क्या हुई शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं हम। नॉर्मल क्या होता है, ये जो सरफेस है हमारी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या हो रहा है डेंसर टू रेयर वाली कंडीशन आ रही है। डेंसर टू रेयर हम क्या होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये डेंसर टू रेयर जा रही है अवे फ्रॉम, तो ये कैसे जाएगी ऐसे, जानी ऐसे चाहिए थी बट कैसी होगी अबे दूर की तरफ होगी नॉर्मल से। तो ये क्या था हमारा ग्लास फ्रेम का एग्जांपल। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है या पास हो रही है, तो लाइट क्या हो रही है बेंड हो जा रही है। तो इसी बेंडिंग के फिनोमेना क्या कहते हैं, लिख देता हूँ इसको, वैन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट्स बेंड एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे मैंने आपको समझाया था, जब मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझा रहा था, वहाँ पर क्या था, ये रिफ्रैक्टेड रे की जगह बस क्या था रिफ्लेक्टेड रे थी। वही चीज़ यहाँ पर है, मान लीजिए हमारा इंटरफेस है किसी मीडियम का, ये मीडियम वन है हमारा और ये है मीडियम टू। ठीक है, तो क्या है, ये एक नॉर्मल है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ से देखते हैं, इंसिडेंट रे ये वाली रे, द रिफ्रैक्टेड रे ये, द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो है इंटरफेस जहाँ पर दोनों मीडियम मिल रहे हैं, इस पर ये रे नॉर्मल एंड ये क्या है सभी ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन क्या मतलब है, ये हमारा पेज क्या है पेपर एक प्लेन है, तो ये तीनों क्या है एक ही प्लेन लाई कर रही है। अब हम ये कहें ये इंसिडेंट रे है, ये पेन को कंसिडर करिए, ये हमारा रिफ्लेक्टेड है, अगर इसको देखें हम तो इसका प्लेन क्या हो गया, अब पेन का प्लेन अलग हो गया, ये वाले प्लेन में लाई कर रहा है, मेरा हाथ मान लीजिए प्लेन है इसमें, तो ये क्या हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये ऐसे ही होता यूं इसी पेपर पे, तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी तीनों जो हमारी वो है नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिविन कलर एंड फॉर गिविन पेयर ऑफ मीडियम। मान लीजिए कोई हमारा मीडियम है, ये मान लीजिए एयर ले लेते हैं एक और एक ले लेते हैं हम ग्लास, ये एक नॉर्मल खींचते हैं, ये हमारा एंगल है मान लीजिए एक्स वन, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई वन। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं एयर एंड ग्लास, यहाँ पे हम एंगल चेंज कर देते हैं, ये एंगल हो गया हमारा एक्स टू और ये एंगल हो गया हमारा वाई टू।
अब ये क्या कहता है हमारा जो सेकंड लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एक्स वन, इसका साइन टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इसका साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ लिख रही है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, कोई एक कलर की हम लाइट चूज कर लें, और फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम कैसे होने चाहिए, पेयर उनका सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी एक गिलास लिया हमने, यहाँ पर भी एक गिलास लिया, यानी दोनों का पेयर सेम है, बट हम क्या कर रहे हैं, एंगल को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक्स वन और यहाँ एक्स टू, एक्स वन क्या है, एक्स टू से छोटा है, तो यहाँ पर वाई वन भी क्या हो जाएगा, वाई टू से छोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम वो निकालें रेशियो साइन ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ वाई टू, ये जो हमारा कोई वैल्यू आएगी मान लीजिए के, इसकी जो वैल्यू आएगी मान लीजिए कोई के, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम होगी। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम एक्स इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इंसिडेंट एंगल की, तो रिफ्लेक्शन की बढ़ती जाएगी, रिफ्रैक्शन की बढ़ती जाएगी हमारी वैल्यू। तो ये क्या, हमारी जो दोनों का साइन लेना अगर दोनों एंगल का, तो उनका रेशियो हमारा कॉन्स्टेंट होता है। तो हम एक जनरल लिख लेते हैं, एक्स एक्स और वाई ना लेके, आई इंसिडेंट एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, हमारा कॉन्स्टेंट, और इसी को कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना, आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कॉन्सेप्ट बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर वीडियोज़।